बहुत अच्छा स्टार्ट इन्होंने लिया था, मैंने कहा कि 350 ही चेस ना हो जाए। जब आप डिपेंडिंग चैंपियन तो प्रेशर ज्यादा होता है आप पे, क्यों आप डिपेंड करना होता है, अगर हार गए तो फिर ज्यादा बेइज्जती होती है। हमारी उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं थी जिस तरह हम वो मैच हारे। अस्सलाम वालेकुम, पाक टीवी के साथ मैं हूं हमजा यास। पाकिस्तान एमर्जिंग एशिया कप ने 2022 की तरह ना सिर्फ टाइटल को डिफेंड किया बल्कि कप्तान मोहम्मद हारिस की जेरे निगरानी ये टाइटल जीत भी लिया। हारिस कितने एक्साइटेड है? बहुत एक्साइटेड हूँ, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ कम है। तमाम पाकिस्तानी फैंस जितने भी है पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर, मेरी फैमिली को, सबको बहुत बहुत मुबारक हो, उनकी दुआई थी और अल्हम्दुलिल्लाह जीत गए। एज ए कैप्टन आपका ये पहला एमर्जिंग एशिया कप था, तो माशाल्लाह पहले एमर्जिंग एशिया कप में ही आपने अपनी टीम को टाइटल जितवा दी है। जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छा लग रहा है। हाँ, जब आप डिपेंडिंग चैंपियन तो प्रेशर ज़्यादा होता है आप पे, क्यों आप डिपेंड करना होता है, अगर हार गए तो फिर ज़्यादा बेइज्जती होती है। तो मेरी यही सोच थी, पूरी टीम से मैंने यही बात की, हम एक रहेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी टीम ने मुझे सपोर्ट किया, बैक किया और मेरे साथ रहे। हम एक होके रहेंगे तो हर किसी को हम शिकस्त दे सकते हैं। इससे पहले इंडिया के साथ मैच था लेकिन वो मैच हार गए, एज ए कैप्टन कैसा लगा था? जी बिल्कुल, वो काफ़ी डिसअपॉइंटेड था हमारे लिए क्योंकि हमारी उस तरह की स्ट्रेंथ नहीं थी जिस तरह हम वो मैच हारे, लेकिन उससे काफ़ी कुछ सीखा है। समटाइम आपको जब हार मिलते हैं तो उससे इंसान उठ जाता है, एज ए टीम भी उठ जाता है, एज ए इंसान भी उठ जाता है कि नहीं यार इस तरह की नहीं, ये हमारी क्लास नहीं है। तो उससे ये अच्छा हुआ कि हम हारे थे, अगर वह शायद हम जीते तो शायद हम फाइनल में रिलैक्स होते, लेकिन वो अच्छा हुआ। समटाइम जब आप हार भी जाते हैं तो बंदा सीखता है, तो वो हम उसने गलतियों से सीखा और हमने इलाज फाइनल में डिलीवर किया। हर्ष भी पर्सनली कैसा देखा टीम इंडिया को, अच्छी थी या बस ठीक रहा? जी बिल्कुल, काफ़ी अच्छी टीम है उनकी और जिस तरह का मैं हैरान हूँ, उनके जो टैलेंटेड है स्पेशली बैटिंग, इनकी काफ़ी डेप्थ है इनकी, जिस तरह के इनके बैट्समैन आ रहे हैं एक टाइम पे तो मैं थोड़ा सा परेशान हो गया क्योंकि बहुत अच्छा स्टार्ट इन्होंने लिया था, मैंने कहा कि 350 ही चेज ना हो जाए, लेकिन बिलीव था लड़कों पे। लेकिन जिस तरह की इंडिया की टीम है तो वाकई में इनके निचले लेवल की टीम काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। नो डाउट हारिस भाई, टीमें स्ट्रॉन्ग थी, आपकी टीम भी स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन जो आपने एज ए कैप्टन डिलीवर किया वो अनबिलीवेबल था। जी बिल्कुल, कोशिश यही होती है जब आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है तो यही कोशिश करता हूँ कि उसको मैं अच्छा से डिलीवर करूँ। एक जिम्मेवारी होती है मुल्क की नुमाइंदगी फिर कप्तानी, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने क्लब में भी कप्तानी की थी, डोमेस्टिक में फर्स्ट क्लास वगैरह में कप्तानी कर चुका, तो उसका आइडिया था, कुछ लोगों को आइडिया नहीं था, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने इज्जत दी। फैंस को ये भी बताते चले कि इससे कबल जब हमने मोहम्मद हारिस का इंटरव्यू किया था तो उन्होंने बोला था कि मैं 5वें नंबर पर खेल रहा हूँ इसलिए कि मैं जिम्मेदारी अब ले रहा हूँ एज ए कैप्टन। जी बिल्कुल, हमारे पास ओपनर थे हसीबुल्लाह भी बाहर था अनफॉर्चुनेटली, और साहिम अयूब भी है, साहबजादा परान भी है, तो वहाँ मेरी जगह नहीं बनती थी। अगर मैं खेलता तो किसी की वो फिर कहते हैं ना कप्तानी का गलत फ़ायदा उठा रहे, तो इसलिए मैं एक वो भी रीज़न थे और दूसरा मैं वनडे में मिडिल ऑर्डर में खेलता हूँ तो इसलिए। एशिया कप के लिए आप खुद को तैयार कर रहे हैं यार, आप तो ये अचीवमेंट कर ली, आप तो वो टारगेट वो भी होना चाहिए कि हारिस लकी है। जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है और जिस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली है यहाँ श्रीलंका में खेलने का तो एक अच्छी प्रिपरेशन रही हमारे लिए एशिया कप के लिए भी, और अल्लाह करे अगर स्क्वाड में सेलेक्ट होते हो तो अच्छी परफॉर्मेंस देंगे इंशाल्लाह। चलो जी, हारिस थे हमारे साथ मौजूद थे, उनका कहना है कि इसी तरह वो अपनी परफॉर्मेंस को जारी रखेंगे, टीम को जितवाते रहेंगे। अब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त।